क्या आप भरोसा करेंगे कि कोई मिमिक्री आर्टिस्ट सिर्फ महिलाओं की आवाज़ बदल कर ही किसी से करोड़ों रुपए ऐंठ सकता है? अभिनेता आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल सरी की ये कहानी है बिलासपुर की, जहां एक ठग ने एक एक कर पांच किरदार बनकर एक ही व्यक्ति से करीब 1.5 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। सतना के जब इस युवक को पकड़ा गया तो सब उसे देखकर हैरान रह गए, जिसके झांसे में पढ़ा लिखा सॉफ्ट इंजीनियर भी एक बार नहीं बल्कि कई बार आया। देखिए आंखें खोलने वाली रिपोर्ट। इनसे मिलिए, ये है रोहित, नहीं ये एकता है, जरा रुकिए, ये है एकता के भाई अंशुल, या जज या अधिकारी, कंफ्यूज हम नहीं है, मामला ही कुछ ऐसा है। आवाज बदलने का हुनर रखने वाले इस व्यक्ति ने 1,40,00,000 रुपए की ठगी की है। यूं तो इनका हुनर काबिले तारीफ का था, लेकिन ठगी का आरोपी बनने के बाद अब ये सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। आप पहले खुद सुनिए कि कैसे एक मिमिक्री आर्टिस्ट ने आवाज बदल कर ठगी की सारी हदें पार कर दी। हेलो नितिन, हाय, क्या कर रहे हो? मेरे को 2 लाख की जरूरत है, प्लीज मेरे को आप 2 लाख रुपए दे दो। हेलो अंशु, हाय, मैं बोल रहा हूँ, आप अब तक ये समझ ही चुके होंगे कि कैसे मिमिक्री आर्टिस्ट ने अपने हुनर का गलत इस्तेमाल किया। अब ये समझिए कि कैसे लोग इसके छांसे में आ गए। रोहित मैहर का रहने वाला है, जिसकी पहचान पुणे के सॉफ्टवेयर इंजीनियर नितिन जैन से हुई, जो खुद बिलासपुर का रहने वाला था। तलाकशुदा होने के चलते नितिन अपने लिए एक युवती की तलाश कर रहा था। जैसे ही मिमिक्री आर्टिस्ट रोहित को ये पता चला, उसने नितिन के आगे आवाज का जाल बिछाया। वो एकता जैन बना और बीमारी का झांसा देकर 30 लाख रुपए मांगी। फिर उसने नया सिम कार्ड खरीदा और एकता का भाई अंशुल बनकर शेयर मार्केट में नुकसान की बात कहकर 30 लाख रुपए मांगे। फिर हैदराबाद का इनकम टैक्स ऑफिसर बना और 20 लाख रुपए मांगे। फिर चेन्नई का प्रॉपर्टी टैक्स ऑफिसर रामकृष्णन बनकर हिंदी, अंग्रेजी और तेलुगु भाषा में बात की, 15 लाख रुपए खाते में जमा करवाए। इतना ही नहीं, रोहित ने आरबीआई ऑफिसर विनीत बनकर इंस्टेंट लोन ऐप का झांसा देकर 20 लाख रुपए मांगे। और इस तरह रोहित ने घर बैठे 5 किरदारों की आवाज बनाकर 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर ली। आरोपी इंटरनेट से लड़कियों की फोटो डाउनलोड किया करता था। लड़की अगर इंजीनियर को पसंद आती थी तो आरोपी आवाज बदल कर उससे बातें किया करता था। एक्चुअली उसको मेरी सोसाइटी में रहता था, तो जैन था वो भी, तो मुझे थोड़ा बहुत दिखाया कि मैं बहुत परेशान हूँ, थोड़ी मेरी मदद कर दो भैया, कुछ मेरा काम अटक गया है कहीं पर। तो इस तरीके से उससे जान पहचान हुई। फिर धीरे धीरे उसने बताना चालू किया कि आप अकेले रहते हो, आपके साथ क्या प्रॉब्लम है लाइफ में, तो मेरे साथ भी ऐसे को जान पहचान की वो है, तो मैं उससे आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, उससे फिर चैटिंग वगैरह करवाता हूँ। कि जब ये केस आया सर लोग के सामने कि एक पूरा गैंग होगा 5-6 लोगों का, लेकिन जब उन्होंने भी पता किया तो वो सब भी खुद बौचक्के हो गए। तो फिर मैं तो मतलब ऐसे धोखे में आना मेरे लिए तो सब मतलब इतना मुश्किल नहीं था किसी के लिए भी डालना। जब नितिन ने पुलिस की मदद ली तो 48 घंटे के अंदर ही रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास से 2 एंड्रॉइड फोन, 2 कीपैड फोन और 11 सिम कार्ड मिले हैं। इनके इसके जो बैंक के ट्रांजेक्शन थे, जिन जिन अकाउंट में पैसे गए थे, उसके माध्यम से ट्रेलिंग की गई और भी टेक्निकल इनपुट जुटाए गए। इसके बाद तत्काल टीम रवाना की गई। ये खुद ही अकेला ही अपने आप में तमाम लोगों की आवाज निकाल कर, ये बेसिकली मिमिक्री आर्टिस्ट है और इस तरीके से इसने प्रार्थी को ठगा। आपके साथ कभी ऐसा ना हो, इसके लिए हम आपको कुछ सुझाव भी देते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस जमाने में ठगी का शिकार होने से बचना बेहद जरूरी है। जब भी आपसे कोई फोन पर रुपए मांगे तो पहले क्रॉस चेक जरूर करिए। जिनसे कभी मिले नहीं उनसे फोन पर लेन देन करने से बचें। जब कोई रिश्तेदार भी कॉल करके पैसा मांगता है तो पहले खुद बात करें, कोशिश करें कि मिलकर ही पैसे दें, और सबसे जरूरी आवाज को ध्यान से सुने, क्योंकि हर वॉइस चेंजर अलग सुनाई देता है। बस जरूरत है तो उसे ध्यान से समझने की। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
इसलिए आपसे बार बार कहा जाता है कि अनजान नंबरों से आने वाले कॉल पर जरा भी भरोसा ना करें। इनमें से अधिकांश कॉल फिशिंग यानी धोखाधड़ी और ललचाने के लिए होते हैं। मगर बिलासपुर के इंजीनियर ने तो गजब कर दिया। 1.5 करोड़ रुपए किसी और के खाते में जमा करने के बाद ही उसकी आंखें खुली और वो बड़ी लूट से बाल बाल बच गया।